हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का हमारा ये नया व्लॉग है, जैसे कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, हर एक व्लॉग हम लोग आप लोगों को एक नई लोकेशन पे लेके चलता है। तो आज का जो लोकेशन है वो आप लोग पीछे देख रहे होंगे, ये है। आज हम लोग आए हुए हैं बौद्धा टेम्पल, और ये मेरी डिमांड थी, ये अभी से नहीं है, काफ़ी टाइम से थी, मुझे जाना है इधर, पर ये लेके नहीं आ रहे थे। लेके क्यों नहीं आ रहा था यार, कोविड था, तो वो कोविड के चक्कर में बंद हुआ था। आए थे एक दिन, गेट से वापस चले गए थे क्योंकि कोविड हो रहा था, तो काफ़ी लेट खुला है कोविड की वजह से। तो अभी ये फिलहाल मैंने किसी की पिक देख ली थी, मैंने कहा अभी खुल के है, तो हिसाब से मैं आया था यहाँ संडे को। तो संडे को तो आपको पता ही है भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो थोड़ी बहुत भीड़ है अभी यहाँ। और अब हम लोग आए हुए, टाइमिंग इसकी जो है वो बता रहे थे ये लोग कि 7 बजे तक एंट्री देते हैं और 8 बजे तक गेट बंद कर देते हैं, उसके बाद कोई एंट्री नहीं होती है। तो उस हिसाब से अभी हम लोग आए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत गर्म हो रहा है, बहुत फिर धूप कैसे आई है, तो छाए में बैठे हुए हैं, धूप बहुत तगड़ी धूप आई है, लेकिन अच्छा लग रहा है। हम लोग मास्क नहीं लेके आ रखे हैं, यहाँ पे लोग गार्ड लोग मास्क दे रहे हैं, अब हम मास्क पहनेंगे फिर हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे कोविड के बाद इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हम मास्क पहन के अंदर जा सकते हैं। तो ये देखिए मास्क में हम आ चुके हैं, वैसे मास्क पहनता कौन है, बस वो बाहर से दे रहे हैं ताकि हम अंदर जाने के लिए हम मास्क पहने। तो मास्क पहनना अलाउ है शायद, आई थिंक नहीं, वो कोई और है, कंपलसरी है यार। हाँ शायद मे भी, लोगों ने यहाँ कंपलसरी किया। और अभी हम निकले हैं तो वैसे ना सोचा था धूप बिल्कुल भी नहीं थी, बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, और अभी धूप हो रही है, कर धूप हो रही है ना अभी, और गर्मी रहने की, मेरी आँखें भी ऐसी आ रही है चाउमो ऐसी। तो अभी इस गेट से हम अंदर जाएंगे, अंदर दिखाते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे अब शूज़ खोलने हैं, शूज़ खोल के हम अंदर जाएंगे, फिर बिना शूज़ पहन के वैसे भी अंदर जाना अलाउ नहीं होता है कहीं पे भी, तो यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे शूज़ रखने हैं। भीड़ काफ़ी है इधर, काफ़ी लोग आ रखे हैं, तो अंदर जाने में वीडियो बनाना अलाउ है कि नहीं वो मुझे भी नहीं पता, अगर बनाना अलाउ होगा तो मैं वीडियो में बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी वीडियो। तो फिलहाल ऐसे जाना है इधर से हमें अंदर, काफ़ी बड़ा है ये। तो ये देखो पीछे मूर्ति भयंकर बनाई हुई है, अब इसके बारे में ना ज़्यादा हिस्ट्री हम लोगों को पता नहीं है, हमें तो बस ये पता है कि बौद्धा टेम्पल में बौद्धा भगवान की मूर्ति होती है, बट एक उसको भी पूछ रही है कि ये क्या चीज़ है, ये मुझे भी नहीं पता है। ये वैसे जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तब उस टाइम पर नहीं बनी नहीं थी ये, तो ये अभी हाल फिलहाल में तो नहीं बना, लगभग 3-4 साल हो गया इसको बने हुए, अब तो काफ़ी बढ़िया बना दिया है, घूमने के लिए बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। व्यू तो जबरदस्त आ रहा है इसमें, उसके साथ साथ जाना होता है उधर को, जाओ सजरे आ जाओ बच्चे लोग। तो फिलहाल तो शाम हो चुकी है, लगभग 6 बजने वाले हैं, और हम लोग यहाँ घूम ही रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही एडवेंचर टाइप बनाया हुआ है, एडवेंचर तो क्या मतलब सुकून है यहाँ के, तो इस वजह से अभी जाने का मन नहीं कर रहा है हमारा, तो हम घूम ही रहे हैं, तो ब्लॉगिंग में आपको दिखाते रहते हैं, पूरे एरिया कवर करेंगे यहाँ। ये देखो तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट भी हैं, अगर आप लोग कुछ खाना पीना चाहते हैं तो यहाँ से खा सकते हैं, तो अंदर रेस्टोरेंट भी है और बैठने के लिए तो देख ही रहे हैं आप लोग, जगह जगह पे बेंच बनाए हुए हैं।
ये धर्म चक्र घड़ी दिशा में घुमाने से घंटी है, ये बुद्ध लोगों में कोई घंटी होती होगी, तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, बट ये हम लोग भी घुमा लेते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाना होता है इसको। हाँ यहाँ पर रेस्टोरेंट है और शॉप्स भी है, तिब्बती चीज़ें मिलती हैं यहाँ, तिब्बती कपड़े मिलते हैं। चलो हम भी देख के आते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ घूमने के लिए, बट गर्मी में आना है तो आप शाम को 5 बजे बाद आइए, 7 बजे तक ओपन रहता है ये, और ठंडों में तो आप कभी भी आ सकते हैं। आधे से अधिक दुकानें तो बंद हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ रेस्टोरेंट भी है पीछे, जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो अगर कुछ खाना चाहते हैं तो खाने के लिए भी है, और स्नैक्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक ली, मैंने आप लोगों को बताया गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वजह से हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक ली है, मैंने आइसक्रीम, और हम शाम के टाइम पर आए हुए तो ऐसे खाने का फिलहाल कोई ऐसा मूड नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग खाना चाहते हैं तो वेजिटेरियन फूड्स यहाँ पर ओनली वेजिटेरियन मिलता है, तो अगर आप खाना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर है, और बाकी तिब्बती चीज़ें कुछ लेना चाहते हैं आप लोग तो पीछे शॉप देख रहे होंगे तो यहाँ से ले सकते हैं आप। तो जैसा कि हम लोग, जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि ये जो है ये प्रॉपर एक बौद्ध टेम्पल जो हम लोग अभी घूमे हुए हैं ये देखिए, तो अभी यहाँ से हम लोग जो तो दूसरा बौद्ध स्टेचू बनी हुई है जो बहुत बड़ी है, तो वहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे, वहाँ का भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर तो अभी हम लोग घूम गए हैं, शाम भी हो गई है, अब क्या पता ये तो गेट बंद भी कर ले, 6:30 बज गए हैं, तो आगे जाते हैं। और जो दूसरा वाला स्टैचू है, वैसे यहाँ पर बनाए तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ चलते हैं हम लोग, तो वहाँ पर जाके वीडियो दिखाते हैं। तो देखो जिस तरीके से आप लोग भी देख रहे हैं, धूप जाने लग गई है, अब हम लोग जा रहे हैं बगल वाले बौद्ध टेम्पल में, इसके बगल में दो दो हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। अभी शाम के टाइम पे तो ज़्यादा भीड़ हो गई है, क्योंकि दिन में गर्मी हो रही थी तो लोग कम ही आए हुए थे, अभी देखो तो अभी तो काफ़ी लोग आ गए, देखो ये देखो। तो घूमने की बहुत अच्छी जगह है बौद्ध टेम्पल, देहरादून में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बोलते हैं, जो भी देहरादून आता है तो यहाँ ज़रूर आता है, तो हम लोग भी बहुत पहले आने वाले थे बट कोविड की वजह से नहीं आ पाए, क्योंकि कोविड में सबसे लास्ट में जो खुला वो बौद्ध टेम्पल ही था, ये भी पता नहीं कब खुला ये पता नहीं चला, लेकिन काफ़ी लेट खुला था ये, तो आप लोग यहाँ आइए घूमिए और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को, हो सके तो ठंडों में आना, और ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोग अभी पार्किंग में आ गए हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो ये तो प्रॉपर वाला है जिसमें अभी हम लोग गए थे, अभी हमने इसमें जाना है, ये स्टैचू आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, तो इसमें अभी हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, ये इसका एंट्री पॉइंट है, ये मेरी बाइक खड़ी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पार्किंग में लगाए थे हमने, तो पहले मेन वाले में गए थे, वहाँ से बाहर निकल के थोड़ा चलने के बाद अब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हाँ यार गर्मी बहुत गंदी हो रही है, तो ये देखो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और ये देखो बुद्धा भगवान की कितनी बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी है, वीडियो फोटो मतलब ये वीडियो में इतना दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन सामने से बहुत बड़ी है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दो हैं, आप फ्रंट में पहले जाएंगे फर्स्ट वाले में, उसके बाद आप लोग इसमें भी आ सकते हैं, ये आपको दूर से ही दिख जाएगा, इतनी बड़ी मूर्ति है कि आपको दूर से ही दिख जाएगी। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और तो अब हम लोग ये ब्लॉग एंड करते हैं, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो काफ़ी शाम हो गई है और लगभग 7 बज चुके हैं, तो देखिए टाइमिंग भी 7 बज गए हैं, तो अब ये लोग शायद अब बंद करने वाले हैं इसको, तो हम लोग भी अब चलते हैं, तो ये लोग जाओ जाओ आगे जाओ, एक बोले ऋतिक के जगह पर एक भाई।
ये देखो बुद्ध की स्टैचू, और यहाँ से आपको वो सामने में जो है जिसमें हम पहले गए थे वो भी आप लोगों को दिखाई देगा। और ये देखो पूरी तिब्बती कॉलोनी है ये। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय।